यहाँ पर एक और स्टोरी है, द किंग्स इलनेस, यानी राजा की बीमारी। किंग विक्रमादित्य वेंट आफ्टर द कॉर्प्स द वेंट आफ्टर द कॉर्प्स अगेन। किंग विक्रमादित्य चले गए जब कॉर्प्स वेंट आफ्टर द कॉर्प्स अगेन, इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। किंग विक्रमादित्य वहां पर वापस है जहाँ पे वो कॉर्प्स थी और जहाँ पे वो पेड़ पे लटक रही थी, पेड़ से लटक रही थी वो आत्मा जो थी। किंग विक्रमादित्य स्विफ्टली क्लाइम द ट्री, बहुत ही फुर्तीली अंदाज में वो ट्री के ऊपर चढ़ गए। पुल्ड द कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर उसे लटकाया उस कॉर्प्स को, एंड वॉक डाउन, और चलना शुरू किया था। बेताल बिगेन टू टेल अनदर स्टोरी, बेताल ने दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी बहुत बहुत साल पहले, उज्जैन वॉज रूल्ड बाई किंग चंद्रसेन। किंग जो चंद्रसेन थे उनके द्वारा उज्जैन जो था वो रूल्ड था, यानी उनके वहां पे वो राज्य करते थे। ही वॉज अ राइटियस एंड अ रिस्पॉन्सिबल रूलर, वो बहुत ही राइटियस यानी सही और गलत में जो भेद कर सकता है उसे राइटियस कहते हैं, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रूलर थे। ही टू ग्रेट केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट का बहुत ही ग्रेट टेक केयर करते थे, सभी का बहुत ध्यान रखते थे। हिज सब्जेक्ट ऑल्सो लव्ड हिम वेरी मच, और जो उनके सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, जितनी भी उनकी प्रजा थी, जो उनके दरबार में लोग थे, सब उनको बहुत प्यार करते थे। वन डे अ स्कॉलर नेम्ड श्रीदत्त कैम फ्रॉम काशी, एक दिन एक स्कॉलर, यानी स्कॉलर का मतलब था जो बहुत ही विद्वान होता है, उसका नाम था श्रीदत्त, वो काशी से आया। चंद्रसेन ग्रीटेड हिम विद ग्रेट ऑनर, चंद्रसेन ने उसका स्वागत किया बहुत ही ग्रेट ऑनर के साथ, बहुत सम्मान के साथ उसको ग्रीटेड किया, एंड रिस्पेक्ट, उसने बहुत सम्मान भी दिया, रिस्पेक्ट दिया। ही डिस्कस्ड वेरियस टॉपिक्स विद हिम, उसके साथ उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया, बातचीत करी। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई श्रीदत्त नॉलेज, वो श्रीदत्त की नॉलेज से बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए। प्लीज विद हिज टैलेंट, उसके टैलेंट से बहुत खुश हुए। ही गिफ्टेड अ वैल्यूएबल नेकलेस मेड ऑफ पर्ल्स एंड जेम्स टू हिम, उन्होंने उसकी इसी बुद्धिमता से खुश होकर के, उसके टैलेंट से खुश होकर के उसको एक बहुत ही वैल्यूएबल नेकलेस दिया जो कि पर्ल्स और जेम्स से बना हुआ था। श्रीदत्त टुक द नेकलेस, श्रीदत्त ने वो नेकलेस ले लिया, वोर इट, इसे पहना, एंड देन लेफ्ट फॉर काशी, और काशी के लिए चल पड़ा। व्हेन श्रीदत्त वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जब श्रीदत्त एक जंगल से गुजर रहा था, रॉबर सॉ हिम, एक रॉबर यानी एक लुटेरे ने उसे देखा। ही कॉन्फ्रॉन्टेड श्रीदत्त, उसने श्रीदत्त के साथ लड़ना शुरू कर दिया, उसके सामने आ गया लड़ने के लिए। विदाउट अ सेकेंड थॉट इन माइंड, बिना कुछ सोचे, यानी अब उन्होंने जो दूसरी सोची, सेकेंड थॉट की, अब मैं क्या करूँ या जो भी था, ही स्टैब्ड हिम, उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। एंड टुक द नेकलेस फ्रॉम हिज नेक, और उसके गले से वो नेकलेस ले लिया, यानी वो जो लुटेरा था कि वो कुछ सोच पाते कि मुझे क्या करना है श्रीदत्त, इससे पहले ही लुटेरे ने क्या किया, उनको स्टैब किया, चाकू मारा, और नेकलेस उनके गले से ले लिया। मीन वाइल द किंग्स स्पाई वॉज पासिंग बाई, इसी बीच जो किंग्स के स्पाई थे, स्पाई का मतलब होता है जासूस, गुजर रहे थे। ही रैन एंड कैप्चर्ड द रॉबर, वो भागे और उन्होंने रॉबर को पकड़ लिया, लुटेरे को पकड़ लिया। देन ही प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द किंग एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और उसे राजा के सामने हाजिर किया और सारी बात बताई। किंग चंद्रसेन वॉज वेरी एंग्री, ही सेड टेक अवे दिस रॉबर, किंग चंद्रसेन बहुत एंग्री हुए, नाराज हुए, और उन्होंने कहा इस रॉबर को ले जाओ यहाँ से, ही हैज किल्ड अ ग्रेट स्कॉलर, इसने ग्रेट स्कॉलर को मारा है। बिहाइंड बी हीड हिम इमिजिएटली, इसे बी हेड कर दो, यानी इसका सर कलम कर दो, सर काट देना, उसको कहते हैं बी हेड कर देना। द रॉबर वॉज बी हेडेड बाई द किंग सोल्जर, रॉबर जो था वो बी हेडेड हो गया किंग सोल्जर्स के द्वारा, यानी राजा के जो सोल्जर्स थे उन्होंने कसर धड़ से अलग कर दिया। दैट नाइट चंद्रसेन कुड नॉट स्लीप, उस रात चंद्रसेन सो न सका। ही थॉट, उसने सोचा, ये है ना, ऐसे उसने इस पर अटैक किया। हाउ टू कंपनसेट फॉर द एबसेंस ऑफ श्रीदत्त, श्रीदत्त की कमी को कैसे कंपनसेट किया जाए, कैसे पूरा किया जाए। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ, मैं उसकी डेथ के लिए जिम्मेदार हूँ। हैड आई नॉट गिवन हिम द एक्सपेंसिव नेकलेस, अगर मैंने इतना एक्सपेंसिव नेकलेस उसे न दिया होता, द रॉबर वुड नॉट हैव किल्ड हिम, तो रॉबर उसे नहीं मारता। और इट वॉज माई फॉल्ट, सारी मेरी ही गलती है, अगर ना दिया होता ना वो लुटेरा उसको जान से मारता। नाउ किंग चंद्रसेन बिगेन टू ब्लेम हिमसेल्फ फॉर श्रीदत्त डेथ, अब राजा चंद्रसेन ने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया श्रीदत्त की डेथ के लिए, यानी मैं ही जिम्मेदार हूँ श्रीदत्त की डेथ के लिए। ही वॉज ऑलवेज सीन इंग्रॉस्ड इन हिज ओन थॉट्स, वह हमेशा अपनी ही सोच में डूबा रहता था। कॉन्सिक्वेंटली ही कुड नॉट ईट थिंक और स्लीप पीसफुली, जिसका ये परिणाम हुआ कि वो न तो ठीक से खाता पीता नहीं था और
स्लीप भी नहीं करता था और साथ ही से सो भी नहीं पाता था। ही वॉज इवन अनेबल टू कैरी आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यहाँ तक कि अब वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लायक भी नहीं रहा, यानी समर्थ नहीं रहा, उसका ध्यान ही नहीं रहता था किंगडम में। सून ही फैल इल, बहुत जल्दी वो बीमार पड़ गया। जल्दी ही क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया क्योंकि वो ठीक से खाता पीता नहीं था तो बीमार पड़ना ही था। एंड वॉज कन्फाइंड टू बेड, और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हिज क्वीन एंड हिज कोर्टियर्स ट्राइड टू कंसोल हिम, उसकी रानी ने और उसके कोर्टियर्स ने उसको बहुत समझाया, बट ही कुड नॉट ओवरकम दिस ग्रीफ, लेकिन वो इस दुख से बाहर ही नहीं निकल पाया। ही कैप्ट ऑन ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर शीदत्स डेथ, वो हमेशा अपने आप को ब्लेम करता रहा शीदत्स की डेथ के लिए। किंग चनशेन्स फिजिकल कंडीशन वॉज बिकमिंग ग्रेवर डे बाई डे, यानी जो किंग चंद्रसेन की जो फिजिकल कंडीशन थी वो लगातार दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ग्रेवर का मतलब होता है गंभीर होती जा रही थी उनकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम थी। वन डे अ स्कॉलर फिजिशियन कैम टू विजिट अ टेम्पल इन उज्जैन, एक दिन एक स्कॉलर फिजिशियन उज्जैन में आया टेम्पल की विजिट करने के लिए, देखने के लिए। वैन द क्वीन हर्ड अबाउट हिम, जब क्वीन ने सुना उसके बारे में, शी वेंट टू हिम, उसके पास गई और बोले आई हैव हर्ड अबाउट हिम, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आई हैव कम टू यू विद ग्रेट होप, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। होप का मतलब है तो आशा या उम्मीद। द किंग इज इल, राजा बीमार है। द रीजन इज एंजाइटी एंड स्ट्रेस, उनके बीमारी का कारण क्या है, उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस है, यानी बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा तनाव में रहना। देन शी टोल्ड हिम, तब उसने उनको बताया द होल स्टोरी, उसने सारी बात बताई। द फिजिशियन कैम टू द पैलेस विद द क्वीन, फिजिशियन जो था वो पैलेस में आया रानी के साथ, महल, पैलेस का मतलब महल। ही वेंट टू द किंग एंड सेड, वह राजा के पास गया और बोला योर मैजेस्टी प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर शीदत्स डेथ, योर मैजेस्टी प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए शीदत्स की डेथ के लिए। बींग अ वॉरियर, एक वॉरियर बनो, यू हैव किल्ड द थाउजेंड्स ऑफ इनोशेंट सोल्जर्स, तुमने इनोशेंट सोल्जर्स को मारा है। देन यू डिड नॉट ब्लेम यू, तब आपने अपने आप को कभी भी ब्लेम नहीं किया, यानी जब लड़ाइयाँ होती है तब भी तो कितने लोगों को आपने मारा है, तब तो अपने आप को कभी आपने ब्लेम नहीं किया। सो वाई नाउ, तो अब क्यों। बिसाइड्स यू हैव ऑलरेडी पनिश द कल्प्रिट, बिसाइड्स जबकि आपने उस कल्प्रिट को भी पनिश कर दिया है। एंड कम्प्लीटेड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को आपने पूरा किया। द हैंड्स स्टॉप ब्लेमिंग योर, इसलिए अब अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। बट द फिजिशियन स्पीच हैड नो इफेक्ट ऑन द चंद्रसेन, लेकिन फिजिशियन की स्पीच का कोई असर नहीं हुआ चंद्रसेन के ऊपर। हिज फेस वॉज एज ग्लूमी एज बिफोर, उसका फेस पहले की तरह ही उदास बना रहा है। ग्लूमी का मतलब होता है उदास होना। द फिजिशियन सेड, फिजिशियन ने कहा योर मैजेस्टी इफ यू इंसिस्ट, अगर आप इंसिस्ट करते हैं, आई कैन ब्रिंग शीदत्स टू लाइफ अगेन थ्रू माई पावर्स, मैं अपनी पावर्स के द्वारा शीदत्स की लाइफ को दोबारा ला सकता हूँ। विल यू बी हैप्पी देन, तब आप क्या खुश हो जाएंगे। लिसनिंग टू दिस हिज फेस लिट अप विद अ स्माइल, ऐसा सुनकर उनका जो फेस था किंग का वो लिट अप हो गया, यानी एकदम से खिल गया और स्माइल करने लगा। एंड ही सैड कैन यू ऑल्सो ब्रिंग द रॉबर बैक टू लाइफ विद योर पावर्स, क्या आप अपनी पावर से उस रॉबर्स की लाइफ भी वापस ला सकते हैं। आई कैन मेक ओनली वन पर्सन अलाइव, मैं केवल एक इंसान को ही जिंदा कर सकता हूँ। श्रीदत्त ऑन द रॉबर, श्रीदत्त या फिर रॉबर्ट, किसी एक की लाइफ को मैं वापस ला सकता हूँ। माई पावर इज लिमिटेड, मेरी पावर लिमिटेड है, रिप्लाइड द फिजिशियन, फिजिशियन ने ऐसा जवाब दिया। चंद्रसेन बिकेम थॉटफुल एंड देन सेड, चंद्रसेन जो थे वो सोच में डूब गए। उन्होंने कहा इफ दिस इज, अगर ऐसा होता है वाई शुड आई कमिट सिन, तो फिर मैं सिन क्यों करूँ। इट इज बेटर दैट श्रीदत्त बी डेड, यही बेटर है कि श्रीदत्त डेड हो जाए। आफ्टर टेलिंग दिस, बताने के बाद वैताल सेन, विक्रमादित्य टेल मी वाई डिड द किंग रिफ्यूज टू ब्रिंग श्रीदत्त टू लाइफ, उसने क्यों मना कर दिया कि श्रीदत्त को दोबारा जिंदा करो। वाई डिड ही आस्क द फिजिशियन टू मेक द रॉबर अलाइव अगेन, और फिजिशियन ने क्यों बोला कि रॉबर को दोबारा जिंदा कर दे। नाउ आंसर माई क्वेश्चन क्विकली और योर हेड विल बी ब्रोकन इन टू पीस, अब मेरे सवालों को जल्दी से जवाब दो नहीं तो तुम्हारा सर कई टुकड़ों में टूट जाएगा। विक्रमादित्य रिप्लाइड किंग चंद्रसेन वॉज अ जुडिशियस रूलर, किंग चंद्रसेन जुडिशियस रूलर था। If Shridath would have become alive, अगर Shridath दोबारा से जिंदा हो जाता, his judgment towards the robber would have been unjust, तो जो उन्होंने रॉबर के साथ किया, जो न्याय किया वो unjust हो जाता, वो गलत हो जाता। Also if Chandrasen would have asked him to make Shridath alive, और अगर वो Shridath को और अगर वो चंद्रसेन जो थे वो Shridath को alive करने के लिए कहते, तो physician hard acquired power would have vanished, और जो फिजिशियन ने जो हार्ड पावर एक्वायर की वो चली जाती, क्योंकि उसके हाथ में पावर तो थी लेकिन एक इंसान को बस जिंदा करने की, उसके बाद वो पावर अपने आप ही गायब हो जाती। चंद्रसेन वुड बी रिस्पॉन्सिबल
480। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? अगर उसकी पावर चली जाती उस नए फिजिशियन की, तो इसके लिए जिम्मेदार चंद्रसेन होता। हैंस ही रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ मेकिंग श्रीदत्त अलाइव। यही वजह थी उसने रिजेक्ट कर दिया जो उसने ऑफर दिया था कि मैं श्रीदत्त को दोबारा अलाइव कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो हो गया वो वापस तो हो नहीं सकता था। अगर वो शिवदत्त उसको दोबारा से जिंदा करवाते श्रीदत्त को, तो जो उसने उस कल्प्रिट को सजा दी थी फिर वो गलत मानी जाती, क्योंकि वो तो मर चुका था, वो जिंदा नहीं होता। और जो उसके पास पावर थी दूसरे फिजिशियन के पास, वो सिर्फ एक इंसान को जिंदा करने की थी, और उसको यूज करने के बाद वो पावर हमेशा के लिए वैनिश हो जाती, जिसका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो किंग की होती। इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि श्रीदत्त को दोबारा अलाइव किया जाए। यू हैव गिवन मी द राइट आंसर विक्रमादित्य, बट सिंस यू हैव स्पोकन, तुमने मुझे राइट आंसर दिया है विक्रमादित्य, लेकिन तुम दोबारा से बोले, तुम साइलेंट नहीं रहे। आई एम गोइंग बैक टू माई एबोर्ड ऑन द ट्री। अब मैं दोबारा से तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ? उसी ट्री पे जा रहा हूँ। विद दीज वर्ड्स, ऐसे इन शब्दों के साथ ही फ्लू अवे टुवार्ड्स द ट्री, वह उड़ गया उन्हीं पेड़ों की तरफ जहाँ पे वो लटका हुआ था। ये जो लास्ट जो थी बेताल जिसे बोलते हैं, ये लटकी हुई थी, ये दोबारा चला गया। अब इसकी एक नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पे शुरू हो रही है, अ वैल्यूएबल ट्री। वंस अगेन किंग विक्रमादित्य रैन आफ्टर द बेताल, एक बार किंग विक्रमादित्य बेताल की ओर भाग रहे थे। देन ही पुल्ड हिम डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसे ट्री से नीचे की तरफ खींच रहे थे। एंड बिगेन टू वॉक, और खींचने के बाद फिर उसे ले लिया और उसे लेकर चलने लगे, कैरिंग हिम ऑन हिज शोल्डर। द बेताल बिगेन टू नैरेट अनदर स्टोरी, बेताल ने एक दूसरी कहानी नैरेट करना शुरू किया। नैरेट का मतलब स्टोरी सुनाना। लॉन्ग अगो, बहुत सालों पहले, अ रिच मैन नेम लक्ष्मीकांत लिव्ड इन बदरपुर, एक बहुत ही रिच मैन था जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीकांत, बदरपुर में रहता था। हिज वाइफ वेदांती ऑल्सो कैम फ्रॉम अ रिच फैमिली, उसकी वाइफ वेदांती भी एक बहुत ही रिच फैमिली की थी, बहुत ही रिच फैमिली परिवार से थी। बोथ ऑफ देम वर काइंड हार्टेड एंड जेनरस, दोनों जो थे बहुत ही काइंड हार्टेड और जेनरस थे। जेनरस का मतलब बहुत ही सच्चे थे, अच्छे लोग थे। दे डिस्ट्रीब्यूटेड एल्म्स टू द पुअर एंड सर्व देयर गेस्ट वेरी वेल, वे सभी गरीबों को एल्म्स देते थे और सभी मेहमानों का बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते थे। It's a form of aid or support. यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है एल्म्स, ये रेफर करता है जैसे हम किसी को मनी देते हैं, फूड देते हैं, अदर गुड्स देते हैं, दोज इन नीड, या स्पेशली अ चैरिटी, या चैरिटी की फॉर्म में, दान की फॉर्म में जब हम किसी को देते हैं, गरीबियों को देते हैं, नीडी को देते हैं, तो वहाँ पे इस एल्म्स वर्ड को यूज करते हैं। इसमें मनी भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, या दूसरी जरूरत की सारी चीज़ें जो हम गरीबियों को या फिर नीडी लोगों को देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अभी, हाँ, ड्यू टू दिस, ऐसा करने से ऑल देयर एंसेस्ट्रल वेल्थ गॉट ओवर सून, ऐसा करने से जितने भी उनके एंसेस्ट्रल वेल्थ थे वो बहुत जल्दी क्या हो गया, गॉट ओवर सून। दे ओनली हैड देयर हाउस लेफ्ट, उनका सारा जितना भी पैसा था खत्म हो गया, सारा वेल्थ खत्म हो गया लगातार दान करने की वजह से। उनके पास अब एक उनका घर रह गया था। दे हैड अ सन नेम जयदीप, उनका एक बेटा था जयदीप नाम का। ही वॉज स्टडिंग मेडिसिन इन अ सिटी, वो एक सिटी में मेडिसिन की स्टडी कर रहा था। जगन्नाथ अ पुअर बॉय फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव का एक गरीब लड़का जगन्नाथ वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम कोर्स, वो भी सेम कोर्स कर रहा था। द एक्सपेंस ऑफ हिज एजुकेशन वॉज ऑल्सो बींग बॉर्न बाई लक्ष्मीकांत, उस लड़के का खर्च भी, जो गरीब लड़का था ना जगन्नाथ, उसका खर्च भी लक्ष्मीकांत ही उठा रहे थे। आफ्टर कम्प्लीटिंग देयर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को कम्प्लीट करने के बाद दे रिटर्न टू देयर विलेज, वो अपने गांव लौट आया। व्हेन जयदीप सॉ हिज पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टेटस, लेकिन जब जयदीप ने अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटस देखी, ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज हुआ। स्कॉल्डिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खूब डांटा। ही सेड बोथ ऑफ यू हैव डिस्ट्रॉयड योर, तुम दोनों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, योर का मतलब आपका एंसेस्ट्रल वेल्थ, यानी पूर्वजों के द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ वेल्थ था वो सारा आपने खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड लेफ्ट नथिंग फॉर मी, और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। नाउ व्हाट विल आई डू, अब मैं क्या करूंगा। एज फॉर स्पेंडिंग योर लाइफ वेल यू कैन अर्न सफिशियंटली थ्रू योर मेडिकल प्रैक्टिस, एक्सप्लेन हिज मदर, उसकी माँ ने समझाया, बेटा लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए तुमने मेडिकल प्रैक्टिस की, उसके सहारे भी तुम कमा सकते हो। सून जयदीप बिगेन हिज प्रैक्टिस, जयदीप ने अपनी प्रैक्टिस करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज इनकम, लेकिन वो अपनी इनकम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इट वॉज बिकॉज हिज फ्रेंड जगन्नाथ वॉज अर्निंग मोर देन हिम एंड वॉज बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो उसका फ्रेंड जगन्नाथ था, जो कि गरीब घर का लड़का था, वो लगातार उसे ज़्यादा कमा रहा था, और लगातार डे बाई डे यानी हर दिन वो लगातार क्या होता जा रहा था, पॉपुलर, प्रसिद्ध होता जा रहा था।
द मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाई हिम वर वेरी इफेक्टिव. जो वो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता था अपने बीमार पेशेंट्स को, बहुत इफेक्टिव होती थी, बहुत जल्दी उनको लगती थी दवाइयाँ, वो ठीक हो जाते थे लोग उसकी दवाइयों से. इट वॉज सैड दैट हिज मेडिसिन कुड ब्रिंग अ डेड टू लाइफ. ऐसा भी बोला जाने लगा कि जो उसकी दवाइयाँ लेगा उसमें जान आ जाएगी मरे हुए में भी, यानी मरता हुआ व्यक्ति भी, मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा, ऐसा कहा जाने लगा. वन डे ही वेंट टू हिज फादर, एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और सैड इन एंगर और गुस्से में बोला, ड्यू टू यू आई हैव अ राइवल इन दिस सिटी, आपकी वजह से मैंने, मेरा इस सिटी में एक राइवल भी हो गया है, प्रतिद्वंदी भी हो गया. राइवल का मतलब जो जिससे हमारा कॉम्पिटिशन चलता है. इफ यू हैड नॉट एजुकेटेड जगन्नाथ, अगर आपने आज जगन्नाथ को एजुकेटेड ना किया होता, ही वुड नॉट हैव बीन हियर टू कम्पीट विद मी. तो आज वो मुझे कम्पीट करने के लिए, यानी मुझे कंपटीशन देने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं होता. टुडे एवरीवन प्रेजेस हिम, आज हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है. एंड गोज टू हिम फॉर देयर ट्रीटमेंट, और मैं ट्रीटमेंट के लिए उसी के पास जाता है. आई हैव ओनली लिमिटेड पेशेंट लेफ्ट, मेरे पास तो केवल एक लिमिटेड पेशेंट ही रह गए हैं. सन बेटे, द ड्यूटी ऑफ अ फिजिशियन इज टू लुक आफ्टर हिज पेशेंट. फिजिशियन की जो ड्यूटी होती है वो अपने पेशेंट की देखभाल करने की होती है. If you cure them, अगर तुम उनकी क्योर करते हो, अच्छी सेवा करते हो, इलाज करते हो, they will respect you, वो तुम्हारा सम्मान करेंगे. But लेकिन why you are so worried, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो. You have but you have got everything, लक्ष्मीकांत tried to explain to him. तुम्हें तो सब कुछ मिला है, लक्ष्मीकांत ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की. उसके बाद है यहाँ पर, बट दिस हैड नो इफेक्ट ऑन जयदीप, लेकिन इस बात का जयदीप पे कोई असर नहीं हुआ. ही ओनली वांटेड मनी, वह ओनली मनी चाहता था. इन द सेम सिटी, सेम सिटी में देयर लिव्ड अ रिच बिजनेसमैन नेम महेश, एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन महेश रहता था. ही वॉज इन सर्च ऑफ अ सुटेबल ग्रूम फॉर हिज ओनली डॉटर रत्नामाला, वह अपनी बेटी रत्नामाला के लिए एक उचित दूल्हे की तलाश कर रहा था. ही एक्सपेक्टेड हिज सन इन लॉ टू कम एंड स्टे विद हिम, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो भी उसका सन इन लॉ बने, दामाद बने, वो उसके साथ आए और वहीं पर उनके साथ रहे, यानी घर जमाई बनकर रहे. ही न्यू एवरीथिंग अबाउट जयदीप, वह जयदीप के बारे में सब कुछ जानता था. हैंड्स ही वेंट टू हिम, जब वह उसके पास गया उसने कहा, जयदीप आई नो योर पेरेंट्स आर वेरी जेनरस, मैं जानता हूँ तुम्हारे माता पिता बहुत जेनरस है, सज्जन किस्म के लोग हैं. They have donated all their wealth and left nothing for you. उन्होंने अपना सारा wealth donate कर दिया है और तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है. As long as you are with them, अगर तुम और उनके साथ रहे, लंबे टाइम तक और रहे, you can never prosper in life. तुम लाइफ में कभी भी धनी नहीं बन पाओगे, धनी नहीं बन सकते. If you accept my proposal, अगर मेरा proposal तुम accept करते हो, you will lead a prosperous life. तुम एक prosperous life को फिर lead करोगे, यानी जियोगे. Prosper धनी धन प्रपोजल, सॉरी प्रपोजल, व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल, किस तरह का प्रपोजल, प्लीज एक्सप्लेन टू मी इन डिटेल, मुझे डिटेल में समझाइए. आस्क जयदीप, जयदीप ने कहा, महेश सेड, महेश ने कहा, मैरी माय डॉटर एंड कम एंड, मेरी डॉटर से मैरी कर लो, शादी कर लो, एंड हाँ एंड स्टे विद अस, और हमारे साथ रहो. टेक केयर ऑफ माई बिजनेस, मेरे बिजनेस को भी टेक केयर कर लो, संभाल लो. एंड स्पेंड अ पीसफुल लाइफ, और एक पीसफुल लाइफ बिताओ. जयदीप एक्सेप्टेड, जयदीप ने क्या था, एक्सेप्ट कर लिया उस प्रपोजल को. एंड सून ही मैरिड रत्नमाला, और बहुत जल्दी उसने रत्नमाला से विवाह भी कर लिया. ही लेफ्ट हिज पेरेंट्स हाउस एंड बिगेन टू स्टे विद हिज इन लॉज, उसने पेरेंट्स को वहीं उनके घर में छोड़ दिया और रत्नमाला और अपने इन लॉज के साथ रहना शुरू कर दिया. वैन जगन्नाथ कम टू नो दैट जयदीप हैड लेफ्ट हिज हाउस, जब जगन्नाथ को पता चला कि जयदीप ने वो घर छोड़ दिया है. ही वेंट टू मीट लक्ष्मीकांत एंड वेदांति एंड आस्क्ड देम अबाउट देयर लाइफ, वो लक्ष्मीकांत और वेदांति के पास गया और उनकी लाइफ के बारे में उनसे पूछा. लक्ष्मीकांत रिप्लाइड, लक्ष्मीकांत ने बोला, सन वी आर फाइन, हम बिल्कुल ठीक है. जयदीप वॉन्टेड टू टेक अस विद हिम, जयदीप तो हमें अपने साथ लेके जाना चाहता था, बट वी डिड नॉट गो, लेकिन हम ही नहीं गए. वी वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ आर लाइफ इन दिस एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपनी बाकी की बची खुची जिंदगी इसी एंसेस्ट्रल हाउस में, इन्हीं पूर्वजों के घरों में बिता लेंगे. Although लक्ष्मीकांत said no, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता. He was highly grieved at his son's behavior. वो बहुत दुखी हुआ उनके बेटे के ऐसे बिहेवियर को देख करके. जगन्नाथ was considered them. जगन्नाथ was considerate. जगन्नाथ ने उनको बहुत संभाला, बहुत कुछ उन्हें समझाया. And thought for a while. और एक मिनट के लिए सोचा. Then he said, उसने कहा, actually I have come here with a purpose. मैं यहाँ एक purpose, यानी उद्देश्य के
कुर्ती के लिए यहाँ पर आया हूँ। इन योर बैक यार्ड, आपके बैक यार्ड में देयर इज ए ट्री लोडेड विद फ्रूट, आपके बैक यार्ड में एक ट्री है जो कि फ्रूट से लदा हुआ है। इट इज़ वेरी यूजफुल ट्री है, बहुत ही यूजफुल ट्री है। मैनी लाइफ सेविंग्स मेडिसिन कैन बी मेड बाई यूजिंग द फ्रूट। इस फ्रूट को यूज करके बहुत सारी लाइफ सेविंग यानी लाइफ को बचाने वाली दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। आई कैम टू नो अबाउट इट टूडे, मुझे आज ही इसके बारे में पता चला है। दो द कॉस्ट ऑफ ए फ्रूट इज 10 गोल्ड कॉइन्स, इस जो फ्रूट की कीमत है वो 10 सोने के सिक्के हैं। आई कैन गिव यू ओनली 1 गोल्ड, मैं तो आपको केवल एक ही सिक्का दे सकता हूँ एक फल का। बट यू हैव टू एक्सेप्ट माई कंडीशन, लेकिन आपको मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी मैं अभी शर्त आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं स्टोरी में, वट कंडीशन आस्क लक्ष्मीकांत, कौन सी कंडीशन लक्ष्मीकांत? यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, इसे पेपर पे लिख के दो जो भी तुम्हारी कंडीशन है, एंड स्टेटिंग दैट यू विल नॉट सेल इट्स फ्रूट टू एनीबडी। आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप इस फ्रूट को मेरे अलावा किसी पर्सन को नहीं बेचोगे। सेठ जगन्नाथ, जगन्नाथ ने ऐसा कहा, आई अग्री विद योर डील, मैं तुम्हारी डील से सहमत हूँ, बट वाई डू आई हैव टू गिव यू अ रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन मैं तुम्हें रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लिख कर दूँ? आस्क लक्ष्मीकांत, दिस ट्री हैज ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू, इस ट्री की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल होना चाहिए, हाँ मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू यूज इट्स फ्रूट इन एक्यूरेट प्रपोर्शन, अगर इसे इस फ्रूट को एक्यूरेट प्रपोर्शन में यूज किया जाए, सही अनुपात में अगर इसे यूज किया जाए, सम लाइफ सेविंग मेडिसिन कुड बी मेड, तो कुछ जिंदगी को बचाने वाली दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। बट इफ़ यू मिस यूज दैम, लेकिन अगर तुम इसका मिस यूज करते हो, इट विल प्रोड्यूस डिजास्टर रिजल्ट, तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम भी हो सकता है अगर गलत तरीके से यूज किया जाए। इफ पीपुल कम टू नो, अगर लोगों को पता चल गया अबाउट इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू के बारे में, दे माइट फोर्स यू टू सेल द ट्री टू दैम, वे आपको फोर्स करेंगे कि ये मुझे बेच दो। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ दैट द ट्री गोज टू अ रॉन्ग पर्सन, कि ये ट्री किसी गलत इंसान के हाथों में चला जाए। सेठ जगन्नाथ, सो लक्ष्मीकांत गेव हिम अ रिटर्न स्टेटमेंट, इस लक्ष्मीकांत ने एक रिटर्न स्टेटमेंट उसको लिख के दे दिया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन से लेकर आज तक, एवरी डे जगन्नाथ वुड गिव अ गोल्ड कॉइन फॉर अ फ्रूट, एक फ्रूट के लिए उनको रोज एक सोने का सिक्का देता है। ग्रेजुअली देयर फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव, धीरे धीरे उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो इम्प्रूव्ड हो गया यानी सुधर गया, एंड दे बिगेन टू स्पेंड अ गुड लाइफ, और वो दोबारा से एक अच्छी जिंदगी को जीने लगे। एज यूजल दे ऑल्सो बिगेन टू हेल्प द पुअर, और हमेशा की तरह दोबारा से गरीबों की हेल्प करने लगे। वैन जयदीप कैम टू नो अबाउट हिज पेरेंट्स इन रिचमेंट, ही वॉज सरप्राइज, लेकिन जब जयदीप को पता चला उसके पेरेंट्स फिर से बहुत ही रिच हो गए हैं, तो बहुत ही सरप्राइज हुआ। ही इमिडिएटली वैन टू दैम एंड आस्क फॉर हिज शेयर, वह जल्दी से उनके पास गया और अपना हिस्सा उनसे मांगा। आफ्टर लक्ष्मी अफ्रेड लक्ष्मीकांत टोल्ड हिम, डरे हुए लक्ष्मीकांत ने उसको बताया ट्री के बारे में, एंड ही डील विद जगन्नाथ, और जो जगन्नाथ के साथ उसकी डील हुई थी वो भी बताया। सो जयदीप रैन टू द बैकयार्ड एंड प्लग्ड मैनी फ्रूट्स फ्रॉम इट, इसे जयदीप भी बैकयार्ड में गया, आंगन में गया और सारे फ्रूट्स प्लग कर लिए, तोड़ लिए। ही कर्स्ड एंड एक्यूज्ड हिज पेरेंट्स फॉर चीटिंग, उसने अपने पेरेंट्स को चीटिंग करने के लिए बहुत कोसा, बहुत कुछ भला बुरा कहा। ही सैड, उसने कहा, यू हैव डन इनजस्टिस टू मी, तुमने मेरे साथ अन्याय किया बाई हाइडिंग द ट्रूथ ऑफ द ट्री, इस पेड़ का सच छुपा करके। आई विल टेक यू टू द क्वीन, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, यह सब सुनने के बाद लक्ष्मीकांत वॉज अनहैप्पी, लक्ष्मीकांत बहुत ही अनहैप्पी हुआ, दुखी हुआ। ही कॉल्ड फॉर जगन्नाथ हु सैड, जयदीप इज करेक्ट, उसने जगन्नाथ को बोला, जयदीप सही बोल रहा था। ही हैज द राइट टू क्लेम अ शेयर इन दिस प्रॉपर्टी, उसके पास ये हक है कि वो प्रॉपर्टी पर शेयर, प्रॉपर्टी के हिस्से पर क्लेम कर सकता है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया फॉर द नेक्स्ट 11 ईयर, अगले 11 सालों के लिए। आई विल नीड अबाउट 4,000 फ्रूट, मुझे 4,000 फ्रूट की जरूरत होगी, फॉर एवरी फ्रूट, एक एक फ्रूट के लिए। आई विल गिव यू अ गोल्ड कॉइन, मैं आपको रोज एक गोल्ड कॉइन दूंगा। आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर बोथ ऑफ यू, मैं सोचता हूँ ये आप दोनों के लिए बहुत ही पर्याप्त होगा। सो फ्रॉम टूडे, इसलिए आज से ही, द रेस्ट ऑफ द फ्रूट विल बिलोंग टू जयदीप, ये जितने बचे हुए फल हैं सब जयदीप को बिलोंग करेंगे, उसी को मिलेंगे। जयदीप एक्सेप्टेड द डील विद जगन्नाथ, जयदीप ने जगन्नाथ के साथ ये डील जो थी वो पक्की कर ली, एंड डिसाइडेड टू सेल द रेस्ट ऑफ द फ्रूट, और जितने बचे हुए फ्रूट थे उनको बेचने का उसने डिसीजन लिया। ही कलेक्टेड ऑल द फ्रूट फ्रॉम द ट्री, उसने ट्री से सारे फ्रूट कलेक्ट किए, एंड वेंट टू डिफरेंट मेडिसिनल
प्रैक्टिशनर्स और मेडिसिनल प्रैक्टिशनर को सारे फल दे दिए गए अलग अलग, बट ऑल ऑफ देम, लेकिन सभी ने क्या डिक्लेयर किया था, फ्रूट यूजलेस है एंड रिफ्यूज टू बाय देम, और उन्हें खरीदने से मना कर दिया। इन द एंड ही वेंट टू जगन्नाथ, लास्ट में जगन्नाथ के पास गया एंड आस्क्ड हिम टू बाय द फ्रूट, और उसको फ्रूट खरीदने के लिए बोला, बट ही ऑल्सो रिफ्यूज एंड सैड, लेकिन उसने भी मना कर दिया खरीदने से एंड सैड, वॉट विल आई डू विद दीज यूजलेस फ्रूट, मैं इन बेकार के फलों का क्या करूंगा। शॉक्ड जयदीप आशीष, वो एकदम शॉक हो गया, सुनते ही एकदम से शॉक लग गया उसे, उसने बोला, जयदीप ने पूछा, बट यू हैव फिक्स्ड द रेट ऑफ दिस फ्रूट, लेकिन तुम्हें तो इन फलों का रेट फिक्स किया था, हाउ कैन दे बी यूजलेस, अब ये यूजलेस कैसे हो गए, कैसे हो सकते हैं। दीज फ्रूट वर वैल्यूएबल बिकॉज ऑफ योर फादर्स गुड डीड्स, ये फ्रूट जो थे बहुत ही वैल्यूएबल थे, क्यों थे, क्योंकि तुम्हारे फादर की डीड्स की वजह से, अच्छे कामों की वजह से, सेठ जगन्नाथ, जगन्नाथ ने ऐसा बोला। वैन जयदीप अंडरस्टूड, जब जयदीप को समझ आया जगन्नाथ स्टेटमेंट, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड लेफ्ट साइलेंटली, और जब जयदीप को ये सब समझ में आया, उसका स्टेटमेंट समझ में आया, तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ खुद पर और वहाँ से चुपचाप चला गया। द वेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी एंड आस्क्ड, वेताल ने भी अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करी और विक्रम से पूछा, डोंट यू थिंक जगन्नाथ बिहेवियर टुवर्ड्स जयदीप पेरेंट्स वॉज मिस्टीरियस, क्या तुम सोचते हो जगन्नाथ का जो बिहेवियर था जयदीप के पेरेंट्स की तरफ, वो मिस्टीरियस था, रहस्यपूर्ण था। दे हैड गॉट हिम एजुकेटेड, उन्होंने उसको एजुकेटेड किया, उसको पढ़ाया लिखाया, सो डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते ही शुड हैव रिपेड बाई हेल्पिंग, कि उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी जयदीप को, इंस्टेड बाई टेलिंग टेल्स अबाउट द ट्री की बारे में कहानियां बता करके, ही वॉज मिसलीडिंग दैम, वह उन्हें मिसलीडिंग कर रहा था, गुमराह कर रहा था। डोंट यू थिंक ही वॉज एन अनग्रेटफुल पर्सन, क्या तुम नहीं सोचते वह एक अनग्रेटफुल पर्सन था। नाउ रिप्लाई टू माई क्वेश्चन और आई विल ब्रेक योर हेड इन टू पीसीज, अब मेरे प्रश्नों का जवाब दो नहीं तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, जगन्नाथ बिहेवियर वॉज नेवर अनयूजल और मिस्टीरियस, जगन्नाथ का बिहेवियर कभी भी असामान्य या रहस्य से भरपूर नहीं रहा। ही वॉज अ जेंटलमैन एंड न्यू हाउ टू डील विद डिफरेंट पीपल, वो एक जेंटलमैन था, उसे पता था कि अलग अलग लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उनको कैसे डील करना है। ही न्यू दैट हिज सपोर्टर्स वर इन नीड ऑफ हेल्प, वो जानता था कि उसके सपोर्टर्स को उसकी हेल्प की जरूरत है, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट देयर प्राइड, लेकिन वो इनके प्राइड को, उनके अभिमान को वो हर्ट नहीं करना चाहता था, स्वाभिमान को वो हर्ट नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि उस कपल को जरूरत है हेल्प की, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो उसको इस तरह से मनी दे और उनका जो स्वाभिमान है वो नहीं तोड़ना चाहता था। ही प्लान्ड अ स्कीम, उसने एक स्कीम प्लान की टू हेल्प देम, उनकी हेल्प करने के लिए, सो दैट दे वर एबल टू स्पेंड देयर लाइफ पीसफुली, जिससे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पूरी जिंदगी को बिता सके, इस लायक हो जाए कि वो अपनी जिंदगी को आराम से अच्छे से बिता सके। यू हैव गिवन मी द राइट आंसर बट आई एम लिविंग एज यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस ऑफ कीपिंग साइलेंट, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के फिर से जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने अपने साइलेंट रहने के प्रॉमिस को फिर से तोड़ दिया है। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, द वेताल फ्लू टुवर्ड्स द ट्री, वेताल जो था वो ट्री की ओर फिर से उड़ गया एंड हंग अपसाइड डाउन, और नीचे की तरफ ऐसे लटक गया, फ्रॉम इट्स ब्रांचेस से झूलते हुए लटक गया फिर से, जैसे पहले लटका होता है। इस तरह से ये कहानी का फर्स्ट पार्ट ही समाप्त होता है, फिनिश होता है। आई विल अपलोड नेक्स्ट पार्ट इन फ्यू डेज, सो टिल देन बाय, इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट देन शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।